कक्षा नौमी संस्कृत विषय के अंतर्गत जो रचना अनुवाद हैं उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये है रचना अनुवाद, यानी रचना अनुवाद, ठीक है। चलिए आप यहां पर आप देखिए जो अभ्यास है वह वर्तमान कालिक वाक्यानि, यानी हम किस काल के वाक्यों को पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे वर्तमान काल के। अब यहां देखिए दिया है अधोलिखितानाम वाक्यानाम हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया स्वभाषाया वा अनुवादम कुरु। आपको जो जो दिए हुए हैं आपको क्या करना है, इनको वर्तमान काल में, है ना, वर्तमान काल जो चल रहा है तो उसके अंतर्गत आपको इसको क्या करना है, अनुवाद करना है। जैसे इसमें दिया है पहला वयम वाराणसी गच्छामः, तो अब इसमें क्या आएगा, अब इसका यदि हम अनुवाद करें, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये हिंदी में दिए और आपको संस्कृत में उसका अनुवाद करना हो। अब ये संस्कृत में दिए हैं उसका हमको हिंदी में अनुवाद करना है। तो वयम वाराणसी गच्छामः यानी हम सब बनारस जो है वाराणसी जाते हैं, रहा है रही है ना, ये सब किस काल के अंतर्गत आते हैं, वर्तमान काल के अंतर्गत। फिर दिया है त्वम कुत्र गच्छसि, त्वम कुत्र गच्छसि यानी तुम कहां जाते या जाती हो, दोनों के लिए, ठीक है। फिर है युवाम किम कुरुथ, युवाम यानी तुम दोनों क्या करते या करती हो, युवाम किम कुरुथ तुम दोनों क्या करते या करती हो। फिर क्या है यूयम प्रहसनम पश्यत, तुम सब प्रहसनन नाटक यानी देखते या देखती हो, तुम सब क्या देखते नाटक यानी प्रहसनम यानी नाटक देखते या देखती हो, ठीक है। अहम लेखम लिखामी, मैं लेख लिखता या लिखती हूं। आवाम ग्रह कार्यम कुर्वः, हम दोनों ग्रह कार्य करते या करती हैं। वयम भोजनम पचामा, हम सब भोजन पकाते या पकाती हैं। रमेश कथाम श्रुणोति, रमेश कथा सुनता है। तो ये हम किस काल के अभ्यास का पढ़ रहे हैं, वर्तमान काल के, जिसमें कर रहे हो कर रही हो या करता है करती हो, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। लता गीतम गायती, लता क्या कर रही है, गीत गाती है। माता जलम पिबती, माता जल पीती है। नद्यौ वेगेन बहता, दो नदियां क्या हो रही है, वेग से बहती हैं। नद्यौ वेगेन बहता, दो नदियां वेग से बहती हैं। बालिका अभ्यासम कुर्वन्ती, लड़कियां, बालिका माने लड़कियां, बालिका अभ्यासम कुर्वन्ती यानी करती हैं, ठीक है, बहुवचन के अंतर्गत लड़कियां अभ्यास करती हैं। शिशुवः दुग्धम पिबन्ती, जो शिशु हैं दुग्धम यानी दूध पीते हैं। फिर है नृत्यांगनाः नृत्यंती, नृत्यांगनाएं क्या कर रही, नृत्यंती माने नाचती हैं। पुरुषाः जलम नयंती, पुरुष जल ले जाते हैं, पुरुष क्या कर रहे हैं, जल ले जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए अधोलिखता नाम वाक्या नाम संस्कृत भाषा अनुवाद। अब आपको यहां पर हिंदी में यह दिया हुआ है और इसके बाद इसका अनुवाद जो है आपको किसमें करना है, आपको संस्कृत में। अब यहां दिया है पहला हाथी चलता है, क्या आएगा, गजह चलती। हाथी चलता है क्या आएगा, गजह चलती। दो बंदर कूदते हैं, बानरौ कूदतः। दो लड़कियां नाचती हैं, बालिके नृत्यतः। वृद्ध जन धीरे धीरे चलते, धीरे धीरे के लिए क्या आता, शनै शनै, है ना, तो वृद्ध जना शनै शनै चलंती, चलते हैं, ठीक है ना, ये बहुवचन में। फिर महिलाएं बातचीत करती हैं, तो महिला वार्तालापम कुर्वन्ती। बच्चियां कहानी
सुनती हैं, तो बाला कथाम श्रृणवंती, बाला कथाम श्रृणवंती। फिर है दो छात्र पाठ याद करते हैं, कितने? दो, तो दो के लिए क्या आ जाएगा? छात्रौ, पाठम स्मृतः। दो किसान खेत जोतते हैं, तो यहां पर क्या आएगा? कृषकौ, क्षेत्रम कर्षतः। इस प्रकार से यदि हिंदी में आता है तो संस्कृत में अनुवाद करना है। इसके पहले हमने संस्कृत से हिंदी में आपको बताया था। चलिए, दो बैल चरते हैं, वृषभौ चरतः। दो हंस तैरते हैं, हंसौ तरतः। लोग काम करते हैं, जनाः कार्यम कुर्वन्ति। तुम क्या करते हो? त्वं किं करोषि। तुम पाठ याद करते हो, त्वं पाठं स्मरसि। तुम लोग व्यर्थ समय बिताते हो, यूयं वृथा समयं यथा। मैं घूमती हूँ, अहम् भ्रमामि। मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, अहम् पुस्तकम् पठामि। हम दोनों गृह कार्य करते हैं, आवाम गृह कार्यम कुर्वः। हम दोनों बातें करते हैं, आवाम वार्ताम कुर्वः। हम लोग स्वाध्याय करते, वयम स्वाध्यायम कुर्मः। चलिए, आप वर्तमान काल के बाद हम ये जो अभ्यास करेंगे वो है भूतकालिक वाक्य प्रयोग। अधोलिखिता नाम, वाक्य नाम, हिंदी भाषा, आंग्ल भाषा, स्वभाषा व अनुवादम कुरुत। जैसे गजा अचलन, यानी हाथी चले, सिंह अगर्जत, सिंह गर्जा जोर से, सिंह गर्जा, अजौ अचरताम, दो बकरे चरे, बानरौ अकूर्दताम, दो बंदर कूदे, युवान अक्रीडन, युवक खेले। वृषभा भारम अवहनम, बैलों ने भार ढोया। छात्रा पाठम अपठन, छात्रों ने पाठ पढ़ा। बालका पाठम अपठन, बालकों ने पाठ पढ़ा। त्वं पाठम अस्मरह, तुमने पाठ याद किया। युवाम कार्यम अकुरुतम, तुम दोनों ने कार्य किया। अहम कविता कविता नाम अस्मरम, मैंने कविता क्या की? याद की। ठीक है, आवाम ग्रामम अगच्छाम, हम दोनों कहाँ गए? ग्राम गए, हम दोनों ग्राम गए। आवाम भोजनम अपचाव, हम दोनों ने भोजन पकाया। वयम चलचित्रम अपश्याम, हम सबने चलचित्र देखा। हम सबने क्या देखा? चलचित्र देखा। वयम भोजनम अकरावाम, अकरवाम, यानी हम सबने क्या किया? भोजन किया। चलिए आगे पढ़ेंगे। अधोलिखिता नाम, वाक्य नाम, संस्कृत भाषा अनुवादम कृत। अब यहां पर जो दिया है हिंदी में, तो अब आपको उसको संस्कृत में अनुवाद करना। जैसे छात्रों ने पाठ पढ़ा, छात्रः पाठम अपठन। शिशु ने दूध पिया, शिशु दुग्धम अपिबत। ये भूतकाल वाले हैं। माता ने बच्चे को प्यार किया, माता बालम अस्नेहयत। छात्रा ने कविता सुनाई, छात्रा कविताम अश्रावयत। माता ने गीता सुनी, माता गीताम अश्रणोत। क्या तुमने काम समाप्त किया? किं त्वं कार्यम समाप्तम अकरोः। तुम लोगों ने कथा सुनी, यूयम कथाम अश्रुतु अश्रुणुत। मैंने गीत गाया, अहम गीतम अगायम। हम दोनों ने पाठ याद किया, आवाम पाठाम अस्म राव। हम दोनों ने विज्ञान पढ़ा, वयम विज्ञानम अपठाम। हम लोगों ने यात्रा की, वयम यात्राम अकरवाम। मैं कहाँ गया? मैं पटना गया, अहम पटनाम अगच्छम। हम दोनों ने खीर बनाई, आवाम क्षीरम अपचाव। हम लोगों ने फल खाए, वयम फलानी अखादाम। इस प्रकार से ये हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। आप यहां पर देखिए, अभ्यास जो है भविष्यकालिक वाक्य प्रयोग।
अधोलिख वाक्यानाम हिंदी भाषा आंग्ल भाषा स्वभाषा व अनुवादम कुरु। सेविका पत्राणी प्रक्षालिष्यति, सेवक बर्तन धोएगा। दाता याचकाय धनम दास्यति, दाता याचक को धन देगा। स्थपति ही भवनम निर्मास्यति, मिस्त्री भवन निर्माण करेगा। पत्रवाहक पत्राणी प्रेषयिष्यति, पत्रवाहक पत्र भेजेगा। तृषार्तौ जलम पास्यतः, दो प्यासे पानी पिएंगे। क्षुधार्तः रोटिकां खादिष्यन्ति, भूखे रोटी खाएंगे। जैसे अपन भविष्य काल के लिए बोलते हैं ना, करेगा, होगा, हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये किसमें आता, भविष्य काल में। और भविष्य काल में जब हम करते हैं तो इसमें क्या लगता है, श्या लगता है। आप देखिए इसमें सब में श्या है ना, श्या श्या दिया ना, सब में श्या। तो इस प्रकार से किस काल का हुआ, भविष्य काल का। चलिए आगे पढ़ते हैं। वृक्ष फलिष्यन्ति, वृक्ष फलेंगे। गायकः गीतानि गायस्यन्ति, गास्यन्ति, गायिकाएं गीतों को गाएंगी। आलोचकः निंदिष्यन्ति, आलोचक निंदा करेंगे, गाएंगी, करेंगे, पियोगे, सीचो। इस प्रकार से ये सब भविष्य काल। त्वं दुग्धं पास्यसि, तुम दूध पियोगे। यूयं पादपान् सेच्छ यथा, तुम सब पौधों को क्या करोगे, सींचोगे। अहम कथाम श्रोष्यामि, मैं कथा सुनूंगा। आवाम साटिकाम क्रेष्यावः, हम दोनों साड़ी खरीदेंगे। वयम क्रीडस्यामः, हम सब क्या करेंगे, खेलेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अधोलिखित वाक्यनाम संस्कृत भाषा अनुवादम कुरुत। वह घर जाएगी, सा गृहं गमिष्यति। वे दोनों चलचित्र देखेंगे, तौ चलचित्रम द्रक्ष्यतः। वे लोग गीत गाएंगी, ता गीतम गास्यन्ति। तुम फल ले जाओगे, त्वं फलानि नेष्यसि। ये हम किस क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी को संस्कृत में अनुवाद। माली पौधों को जल से सींचेंगे। मालाकार पादपान जलेन सेक्ष्यन्ति। पिता धन भेजेंगे, पिता धनम प्रेष्यति। भक्त देव को नमस्कार करेंगे, भक्ता देवान नश्यन्ति। तुम इस समय क्या करोगे, त्वम अधुना किम करिष्यसि। मैं चित्र देखूंगा, अहम चित्रम दक्ष्यामि। तुम लोग प्रश्न पूछोगे, यूयम प्रश्नान प्रक्ष्यथ। इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो रचना अनुवाद है, हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी, आपको ये पढ़ाया। आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। धन्यवाद।